आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है, जिससे उनका फोकस शहरी क्षेत्रों के इतर सबसे पहले ग्रामीण इलाकों की सीटों पर आकर टिक गया है, जिसको ध्यान में रखकर हाल ही में हुई पंचायत चुनाव में जीते प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन भोपाल में बुलाया गया। देखिए इसी पर हमारी ये खास रिपोर्ट। पीसीसी चीफ कमलनाथ का खास प्लान, ग्रामीण इलाकों की सीटों पर किया फोकस, पंचायत प्रतिनिधियों को बुलाया सम्मेलन, आगामी चुनाव का प्रतिनिधियों को दिया मंत्र। दरअसल मध्य प्रदेश कांग्रेस ने रविंद्र भवन में पंचायत प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें प्रदेश भर के उन प्रतिनिधियों को बुलाया गया जिन्होंने पिछले पंचायत चुनाव में जीत दर्ज की है। सम्मेलन में प्रदेश के जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य शामिल हुए। चीफ कमलनाथ ने अपने उद्बोधन में एक बार फिर अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और किसानों को दिए लाभ की याद दिलाई। कांग्रेस की सरकार बनी थी 15 साल बाद दिसंबर 2020 में। कैसा प्रदेश उन्होंने सौंपा था? एक ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां किसानों की आत्महत्या में देश भर में मध्य प्रदेश नंबर वन। ऐसा प्रदेश सौंपा था जहां बेरोजगारी में नंबर वन, महिलाओं पर अत्याचार, हमारे कमजोर वर्ग में अत्याचार, मध्य प्रदेश नंबर वन। ऐसा प्रदेश सौंपा था, कौन सी चुनौती नहीं थी? 15 साल बाद कांग्रेस की सरकार बनी। कांग्रेस की सरकार बनी, हमने अपने नीति और नियत का परिचय दिया, एक शुरुआत करी और जनता गवाह है। मैं जाना नहीं चाहता, आप सब गांव से आते हैं। हमने पहले किस्त में 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। पहले किस्त में चल रहा था क्योंकि कृषि क्षेत्र में क्रांति आए, कृषि क्षेत्र में मजबूती आए। मध्य प्रदेश की 70% अर्थव्यवस्था कृषि क्षेत्र पर आधारित है। जो ये भोपाल का और इंदौर का बाजार चलता है, वो चलता है जब किसान के पास क्रय शक्ति हो, खरीदने की ताकत हो। जो किराने की दुकान आपके गांव में है, वो चलती है जब किसान के जेब में कुछ पैसा हो, उसका बच्चा अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, जब किसान के जेब में पैसा हो। वहीं इस मौके पर कमलनाथ ने पंचायत प्रतिनिधियों को चार्ज करने का काम किया और संकल्प लेने की अपील की कि अगर आप सबने आज ये संकल्प ले लिया, यहाँ बैठ के आपने संकल्प ले लिया, तो कोई नहीं रोक सकता। कांग्रेस का झंडा हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में लहराएगा और फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल, सज्जन सिंह वर्मा, विधायक कांति लाल भूरिया भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, भोपाल।